अगर आप मार्केट से खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। क्वेश्चन है, अ स्मॉल बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वेज हुज बेस इज इक्वल टू एल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द वेज सरफेस इज के इज इक्वल टू 0.14। At what value alpha will the time sliding be the least? What will it be equal to? देखिए, एक वेज है, इस पे एक स्मॉल ब्लॉक गिवन है, ठीक है, ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, ये एंगल कह रहा है अल्फा। इसके बीच में जो k का वैल्यू है ये 0.140 गिवन है, ओके, ये सारा कुछ गिवन है। अब ये कह रहा है कि ये जो लेंथ है, बेस लेंथ, ये है एल, ओके। सो इस ब्लॉक को यहां से पॉइंट ए से बी तक आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम मिनिमम होना चाहिए किस एंगल के लिए, मतलब ऐसा कौन सा एंगल अल्फा होगा जिसके कारण वो टाइम मिनिमम हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मोशन हम लोग सिस्टम किसे मानेंगे, मोशन फॉर ब्लॉक ए, क्योंकि ब्लॉक ही मूव कर रहा है। तो ब्लॉक ए के लिए अगर हम लोग एफबीजी ड्रॉ करना चाहें तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ब्लॉक ए है, डाउनवर्ड एमजी लगे, वर्टिकली डाउनवर्ड लगे, ओके। इसके बाद चूंकि मोशन डाउनवर्ड की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लगेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि रिलेटिव मोशन के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन लगता है, ओके। नाउ नॉर्मल फोर्स हमारा एन लगेगा, अगर इस mg को कंपोनेंट ले परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, सो वी हैव ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, सो दिस इज mg cos अल्फा और ये हो जाएगा mg sin अल्फा। देखिए ध्यान से, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम लोग सिस्टम को फाइंड आउट करते हैं, किस सिस्टम को हम देख रहे हैं, जो मोशन जिसके बारे में पूछेगा वो हमारा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। इसके बाद उस सिस्टम पे कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब सिस्टम मोशन में है तो हमें कौन सा एक्सिस, किस डायरेक्शन में जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेना होगा, जिससे कि मोशन का इक्वेशन बहुत ही इजी तरीके से फाइंड हो जाए। तो जब भी हम इंक्लाइन प्लेन की क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल सरफेस एंड परपेंडिकुलर सरफेस को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानते हैं, क्योंकि मोशन अलोंग द सरफेस हो रहा है। ऐसा करने से हम लोग जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है या परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस आराम से ले सकते हैं। अब देखिए, ब्लॉक ए के लिए क्या कोई वर्टिकल मोशन हो रहा है, नहीं, कोई वर्टिकल मोशन नहीं होता, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, वेक्टर के टर्म में जीरो, स्केलर के टर्म में एन इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, कोई डाउट, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। अब देखिए, नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है वो mg sin alpha downward minus friction, so this net force must be equal to mass into acceleration होना चाहिए, right? और F क्या होता है हमारा, F is equal to k into normal force होता है, so k into normal force mg cos alpha normal force हम लोग यहाँ पे put कर देंगे, so mg sin alpha minus kmg cos alpha, okay, so this is equal to m into a, so from here we can find the acceleration, divide कर देंगे दोनों तरफ m से, तो हमारे पास क्या जाएगा, g sin alpha minus k g cos alpha, ये acceleration हो गया। तो किसी भी angle alpha के लिए acceleration, fixed angle alpha के लिए acceleration क्या होगा, constant होगा, okay, किसी भी फिक्स्ड एंगल, और हर अल्फा के लिए जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो अलग अलग होगा। हमें यहां पे टाइम ऑफ डिसेंट निकालना एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा के लिए जिसके कारण
टाइम ऑफ डिसेंट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो अगर हम लोग एंगल को फिक्स कर लें जिसे हमें निकालना है, सो एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मूव होगा वो सपोज ये हमारा एस मूव होगा, तो क्या रिलेशन है एस और एल में, सो वी कैन राइट हियर कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल ओवर एस, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनस, सो वी हैव एस इज इक्वल टू एल ओवर कॉस अल्फा, ये एक रिलेशन आ गया हमारा। अब यहां से चूंकि डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है एस हो रहा है और एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, सो वी कैन राइट हियर एस इज इक्वल टू एल ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, तो जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा जी साइन अल्फा, ध्यान से देखेंगे जी साइन अल्फा माइनस के जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, यू जीरो ले लिया, एक इक्वेशन लिखना से स्पेस में हमारा बच गया। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर की वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सो वी हैव टू एल डिवाइड बाय कॉस अल्फा इंटू जी साइन अल्फा माइनस के जी कॉस अल्फा, ये आ गया टी स्क्वायर। तो टी का जो वैल्यू है ऊपर में टू एल है, एल क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है, तो टी जो है डिपेंड करेगा एंगल अल्फा पे, क्योंकि जी कॉन्स्टेंट है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट है, तो एंगल अल्फा के लिए टी स्क्वायर मिनिमम कब होगा, जब ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन क्या होना चाहिए मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, सपोज वाई बराबर मान लेते हैं हम इसको कॉस अल्फा इंटू जी साइन अल्फा माइनस के जी कॉस अल्फा, सो जी को बाहर ले लेते हैं, तो जी को बाहर ले लेते हैं यहां से, सो वी हैव जी, ओके, सो डी वाई ओवर डी अल्फा। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे अल्फा को वैरी कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल कोफिशियंट निकालेंगे वाई का किसके लिए, टी स्क्वायर के लिए, ठीक है, मैक्सिमम के मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशियंट, मैक्सिमम या मिनिमम, सो डी वाई बाई डी अल्फा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो वी कैन राइट हियर जी कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, कॉस अल्फा एज सच, देखिए ध्यान से, इनटू इसका डिफरेंशियल कोफिशियंट साइन अल्फा का कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है, ये हमारा बंद हो गया, ठीक है। अब प्लस लेंगे, प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इंटू डिफरेंशियल ऑफ कॉस अल्फा डेट इज माइनस साइन अल्फा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू इनटू वी, दैट इज यू इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वी प्लस वी इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू को किया है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो मैक्सिमम मिनिमा के लिए, सो वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस यहां पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज दिस इज कॉस टू अल्फा एंड के साइन अल्फा, तो प्लस ये हो जाएगा हमारा टू के साइन टू अल्फा, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन टू अल्फा हो जाएगा, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ओके, सो वी कैन राइट हियर के साइन टू अल्फा, के साइन टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस टू अल्फा, सो दिस इज टेन टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर के, तो ये आ गया टेन टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर के, तो यहां से अल्फा की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि के की वैल्यू गिवन है 0.40, ओके, एल का भी वैल्यू गिवन है, तो यहां से अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहे, सो वी हैव टेन टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई 0.14, तो यहां से टेन टू अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे ही टेन टू अल्फा की वैल्यू निकल जाएगा, तो अल्फा की भी वैल्यू निकल जाएगा,
और अल्फा की वैल्यू अगर निकाल के यहां पे हम पुट करते हैं अल्फा की वैल्यू, बेटे मेरे थोड़ा सा मैं ये लेता हूं, क्योंकि टेन टू अल्फा का वैल्यू तो गिवन है नहीं यहां पे, तो मैं रिजल्ट बता देता हूं। सो अल्फा का जो वैल्यू यहां पे आएगा, सो दिस इज इक्वल टू 49 डिग्री आएगा, बुक में गिवन है, ठीक है। और इस हिसाब से अगर अल्फा की वैल्यू को हम 49 डिग्री cos 49 डिग्री इनटू g9.8 पुट करेंगे, तो हमारे पास t का जो मिनिमम आएगा, t मिनिमम वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू 1.0 सेकंड। तो ये जो है वैल्यू आप टेबल से निकाल के देख सकते हैं, यहां से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ओके। तो ये हमारा t मिनिमम होगा कब, जब n इज इक्वल टू 2.10 मीटर होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। मेन चीज क्या था यहां पे इस क्वेश्चन में, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो ऑपरेट हुआ वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट हुआ, एक्सिस को हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा, और मैक्सिमम मिनिमा यहां पे जो टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आया, यहां से हमें मिनिमम निकालने के लिए ऑब्वियस सा बात है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो इसे मैक्सिमा किया, और इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज किया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए जीरो होना चाहिए। तो वहां से रिजल्ट निकल के आया 10 to alpha = -1/k। मजा आया, अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज शेयर किए जरूर कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर पुश कीजिए, जिससे कि जैसे वीडियो मैं बनाऊं अपलोड करूं वो वीडियो आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन, और कहीं से भी आप कुछ मिस ना कर पाओ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उस कमेंट का जो भी डाउट है वो देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1.67, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आयोडोप का, ध्यान से धीरे धीरे खुद से कीजिए, बहुत कुछ समझ में आता चला जाएगा। इसके बाद एक्सी वर्मा आपको थोड़ा सा, मतलब देखिए ये तो समझा टफ बुक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि यूरोप जो है कोई इजी बुक है, ये कर लेने के बाद मतलब आप सफिशियंटली हो जाएंगे कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।